हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो इस वक्त की ऊर्जा आपके रिश्ते की क्या कुछ है गाइस, चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग इस वक्त देख रहे हैं। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। तो क्या कुछ ऊर्जा है आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या कुछ है, इस चीज़ को मैं चेक करने वाली हूँ। तो देखते हैं, एनर्जीज पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना और इसमें मैं राशि बताऊंगी गाइज आपको, ठीक है। तो आपको मून साइन से देखना है, अगर आपको नहीं पता है चंद्र राशि तो आप लगन से या नेम राशि से देख सकते हो जब मैं राशि बताऊंगी इसमें, ठीक है। तो और अगर पर्सनली मेरे से बात करनी है तो नंबर नोट कर लो, 9540119650, पर्सनली तौर पर दिखाना है। साथ कमिंग टुगेदर का कार्ड है भाई, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये तो। नो कांटेक्ट चल रहा है तो आप खुश हो जाओ आप, क्योंकि पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही है और वो आपके साथ वापस रहना चाहते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। फर्स्ट कार्ड जो है कमिंग टुगेदर का, आपका साथ है, फ्यूचर दिखाई दे रहा है। आप दोनों के रिश्ते में एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा दिख रही है जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छी है। मैरिज का योग दिखाई दे रहा है, शादी को लेकर जो परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, जो ऊर्जा दिख रही है उसके हिसाब से तो चेंज आने वाला है, बड़ा चेंज। कमिंग टुगेदर, आप दोनों का साथ होने वाला है, आप दोनों साथ आने वाले हो। अगर आपको पिछले करीब 2 से 3 महीने से आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ज़्यादा ही कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये कार्ड आपको साथ रहने की बात कर रहा है। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आप लोग का साथ होगा। आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता टूट रहा था, बिखर रहा था, वो आपका ठीक होगा। तो कमिंग टुगेदर का कार्ड एक अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आ रहा है आपके लिए ये कार्ड, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक मजबूती को लेकर, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को लेकर आ रहा है। देखो, ये पर्सन भले ही आपसे अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, दूर है या फिर इनके साथ ऑन ऑफ चल रहा है, लेकिन इनके मन में जो चल रहा है, वाइब्रेशन बहुत तेज है और इनके मन में चल रहा है कि इन्हें आपका साथ हर परिस्थिति में अब देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ हो गया आपके रिश्ते में, बहुत कुछ, लेकिन अब उनको लग रहा है कि भाई अब ये साथ उन्हें आपका देना है। एज डिफरेंस बहुत है क्या आप में, किसी किसी में होगा तभी दिख रहा है भाई। तो एक अच्छी ऊर्जा है आपके पर्सन की, थर्ड पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते आपके बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन की खराब दिख रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति आ रही है। जो भी लेसन आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने दिया था आपको दूर करने के लिए, उन्हें मिसगाइड किया था या उनको पाने के लिए कंट्रोल, क्योंकि देखो मेरे को जो थर्ड पार्टी दिख रही है ना, वो जो भी थर्ड पर्सन है, ये परिवार का है, उनके घर परिवार से है या कोई बाहरी है, लेकिन थर्ड पार्टी तो है। वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है, ये चीज़ दिख रही है। लेकिन 4 नंबर है तो वो आगे भी बढ़ रही है, रिश्ते को आगे बढ़ रहा है रिश्ता। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन के लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, थर्ड पार्टी के लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, और जिन इश्यूज़ की वजह से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में भी झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है उसका वो कंट्रोल तो बहुत कर रही है आपके पर्सन को, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है जैसे निगेटिव एनर्जी सेंड कर रही है या फिर कुछ है, लेकिन उसकी लाइफ में भी इश्यूज़ चल रहे हैं। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में भी ना किसी बात को लेकर नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं इस वक्त इंगेज भी दिख रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। दूसरा, आपके पर्सन जो है वो उस क्लेवर एनर्जीज को भी जान रहे हैं, ये चीज भी दिख रही है। तो काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग सी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। दूसरी चीज, दूसरी तरफ ना आपके पर्सन को अब आपका प्यार याद आ रहा है, क्योंकि जब वो थर्ड पर्सन के साथ फील हैप्पी नहीं है या फिर थर्ड पर्सन के साथ दबाव में है या स्ट्रेस में है, तो कहीं ना कहीं उनको आपका प्यार याद आ रहा है, जो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या जो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में
उनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रही है, लव वाली आ रही है, केयर वाली आ रही है। दूसरा उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है, तो ये चीजें दिखाई दे रही है। उनका अगला कदम नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ आपके पर्सन का। आप नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब है, क्या है, ये चीज़ को देख लेते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी तो आपके रिश्ते से जाएगी ही जाएगी, ये चीज़ मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी मेरे को ना गाइस जाती हुई दिखाई दे रही है आपके रिश्ते से, और वो खुद ही जा रही है छोड़कर। मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच में ना कड़वाहट आ गई है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, तो कभी कभी समटाइम्स खुद के ऊपर भी वो चीज़ें सेंड होने लगती है। तभी तो कहते हैं ना, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, लोगों के किसी के साथ अच्छा करो। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो अच्छाई लौट कर आती है। तो थर्ड पर्सन ने अच्छा नहीं किया और कंट्रोल किया आपके रिश्ते को, तो अब वही सारी चीज़ें आप कर्मा फेस करें, तो थर्ड पार्टी को मिलेगा कर्मा। उसके कर्मों का हिसाब उसे खुद देना होगा कि उसने कैसे आपके रिश्ते को दूर किया और किस तरीके से उसने आप लोग के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया। आप लोग के बीच में जो इतने ज़्यादा झगड़े होने लगे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होने लगे हैं, जो आपके पर्सन आपको आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं कर्मा जो है वो थर्ड पार्टी को फेस करना पड़ेगा, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे इस वक्त, कुछ एंजल साइन भी आपको दिख रहे होंगे इन दिनों, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। बाकी का मेरे को यहाँ पर जो अंदर साइन दिख रहा है इसमें 2, 1, 4, 5, और 9 नंबर दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर राशि दिख रही है मुझे, धनु, कुंभ, कन्या, वर्गो, लिब्रा, जैमिनी, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, और है यहाँ पर मेष राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और कर्मों का हिसाब तो देखो, कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन को इसलिए भी देना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी शादी भी रोकी है, आपके रिश्ते को पूरा तोड़ दिया, ख़राब कर दिया, पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एनर्जी सेंड करके उनका दिमाग पूरा चेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर ना। मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कार्ड को देख कर कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अपसेट भी रहने लगी है, जो भी है पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, थर्ड पर्सन के रूप में काफ़ी ज़्यादा उनके और थर्ड पर्सन के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हो रही हैं इन दिनों। तो राशियाँ बता दी मैंने आपको, एंजल साइन आपको मैंने बता दिए हैं, बट आपको भी नोट करना है। उनका अगला कदम देख लेती हूँ आपके पर्सन का, आपके लिए क्या है। सो गाइस, आप देख लेती हूँ मैं कि आपके पर्सन का अगला कदम, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, और वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। सो गाइस, ईश्वर बता दे जो भी कुछ है। कंट्रोल तो बहुत कर रही है अभी भी, मतलब कहीं कहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कंट्रोल चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन को ना अब उसे कंट्रोल पर गुस्सा आने लगा है। अब जैसे रोका टोकी करती है ना थर्ड पर्सन, या फिर उनके ऊपर नजर रखती है, तो आपके पर्सन खुद थर्ड पर्सन से दूर भागने लगे हैं, वो उससे बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं और बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं है। अब आपके पर्सन का माइंड ना एकदम आपकी तरफ हो गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मा है जो आपके पर्सन वापस आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं, और उनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी होती जा रही है। मतलब उनका मन जो आपके लिए ख़राब कर दिया था थर्ड पार्टी ने, अब उनका मन आपके लिए बदल रहा है, और वो उनकी जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव हो रही है। उनका अगला कदम, सबसे पहले जो पास्ट में आप लोग के साथ आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना, उसको भूलेंगे, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे आपके साथ। अगला कदम, आपको अनब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे। नेक्स्ट एक्शन उनका जो दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं मैरिज दिखाई दे रही है, प्रोमिसज बहुत किए थे वो प्रोमिसज अपने निभाएंगे। दूसरा, सबसे पहले ना आपके पर्सन का कॉल आएगा आपके लिए, और कॉल में वो आपसे खुद, आप देखना जब आपके पास उनका कॉल आएगा वो खुद रोएंगे, पछताएंगे, और आपको ही आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि वो आपके पास अब लौट के आना चाहते हैं, अब वो वापस आना चाहते हैं, और अब वो जब से मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आई है तब से ही आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि मतलब आपसे दूर रहना उनके बस की बात नहीं है, और ना ही वो ये दूरियां रख पाएंगे, तो इसलिए खुद ब खुद कनेक्ट करेंगे आपके पर्सन, खुद ब खुद लौटेंगे, ठीक है। बाकी का नेगेटिव एनर्जीज अगर आपको फील हो रही है या फिर आपको रीडिंग लेना है, तो फिर आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ अपने पर्सन के नेम से और खुद के नेम से रीडिंग लेनी है, तो आप ले सकते हो। नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज,
और आप रीडिंग ले सकते हैं, जान सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन मजबूत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ पर मतलब ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे, खुद लौट कर आएंगे। कंपेयर कर लिया ना उन्होंने आपको थर्ड पर्सन को, तो वो चीज़ें वो समझ गए, जो ब्लॉक किया था वो अनब्लॉक। लेकिन नेगेटिव एनर्जीज हैं, फीलिंग्स लव है उनकी आपको लेकर, सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, कितना कनेक्ट कर पाते हो आप मुझे ज़रूर बताना। और टेक केयर, बाय बाय।